वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हमारा जो आज का व्लॉग है वो किसके ऊपर हम निकल रहे हैं, दिल्ली, क्योंकि हमारा जो सेकंड कमेंट था वीडियो के ऊपर वो दिल्ली के ऊपर था। मैंने चेकआउट किया है, एक नहीं तीन तीन लोगों ने कमेंट किया है, दिल्ली, लाल किला और एक जगह का, दो जगह का और कमेंट किया हुआ है। गाइज अभी हम आए थे सर्विस सेंटर, हमने बाइक की सर्विस अभी करवा ली है, सर्विस कम्प्लीट हो चुकी है और अभी हमें यहाँ पे दो छोटे बच्चे मिले हैं, मतलब गोलू मोलू सा एक ये मिला है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों मुझे यहाँ पे मिले थे, इन्होंने बाइक के ऊपर वो जो नेम लिखा हुआ है ना अजय एंडी व्लॉग्स वो देख के और मतलब मुझे बोला कि भाई आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने बोला हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने मेरे साथ पिक वगैरह क्लिक करवाई और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बाकी मुझे आज एक सेलिब्रिटी वाली फील इन्होंने दिलवाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इन्होंने कहा कि एक छोटा सा क्लिप इनका भी ले, इसलिए मैंने एक यहाँ पे शूट किया है। तो गाइस बाइक की सर्विस करवाने के बाद हम लोग आधे घंटे रेगुलर ट्रैवल करने के बाद थोड़ा दूर आ चुके हैं, मतलब वेलकम टू शाहजहाँपुर इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब शाहजहाँपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा दूर और है दिल्ली, मतलब यहीं 100 किलोमीटर और फिर पहुँचते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम उठे हैं और कल क्या हुआ था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जैसे हम ट्रैवल किया ना, हमने नाना करते भी 4 घंटे ट्रैवल किया, रास्ते में थोड़ा सा घूम भी गए थे हम, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया था, थक गए थे। तो आते ही हम सिस्टर के पास यहाँ पे सीधा ही एक तरह से खाना खाया और सो गए थे, कोई शूट वगैरह कुछ नहीं किया। और अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से 10-15 मिनट में अभी उठे हैं ना, थोड़ा सा तैयार वगैरह होके पॉलिश करके, ना के नहीं पॉलिश करके और निकल रहे हैं। सर्दी बहुत तेज़ है, दिल्ली की सर्दी बहुत भयंकर है। तो चलते हैं मेन दिल्ली में, चलेंगे अभी हम बॉर्डर पे हैं, ओके। तो मेन दिल्ली में चलते हैं और आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। आ चुके हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी निकल रहे हैं, वहाँ से निकल के हम सिस्टर के पास आ चुके हैं, दूसरी सिस्टर के पास, ओके। तो यहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं और ये मेन दिल्ली है, अभी जस्ट क्रॉसिंग की तो हमने रेड सिग्नल वगैरह लाइट वगैरह देखे थे, तो वहाँ से हमने क्रॉसिंग वगैरह कर ली है, मतलब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी हम है ना यहाँ पे मंदिर वाले इलाके में आए थे, तो यहाँ पे लोटस टेम्पल और कालका टेम्पल है। तो अभी हम ना मतलब लोटस टेम्पल विजिट करेंगे, फिर हम जाएंगे कालका टेम्पल। तो अभी यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से और एंड तक लाइन लगी हुई है। तो हमें इस लाइन के अंदर वेट करना है और फिर हमारा नंबर आएगा एंड में, तो चलते हैं अंदर। तो गाइस हम अंदर एंटर कर चुके हैं, काफ़ी लंबी लाइन थी नाना करते हुए, 150-200 लोगों की लाइन थी, उसके अंदर से अंदर एंटर कर चुके हैं। और इधर यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा की भी ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और वो रहा लोटस टेम्पल, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी चीज़ लग रही है, ओके। मतलब पब्लिक अनलिमिटेड आ रही है यहाँ पे, कोई लिमिट नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं इस साइड भी, बैक में देख सकते हैं, अभी आए जा रही है, हमारे पीछे भी बहुत लंबी लाइन थी। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको लेके चलता हूँ। तो गाइज अभी हम खड़े हैं लोटस टेम्पल के जस्ट फ्रंट में, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ, पीछे आपको लोटस टेम्पल दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पब्लिक आपको दिख रही होगी, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं और मैं फ्रंट से भी आपको दिखाऊँ, तो वहाँ से और एंड तक आप देख सकते हैं पूरी पब्लिक है, ऊपर तक भी पब्लिक है। और अगर मैं आपको जूम आउट करवाता हूँ वहाँ पे एक बार, अच्छे से देखना, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पब्लिक देखेंगे बार, आप चेक करें वहाँ तक, एंड तक पब्लिक है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से। और बाकी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। और अभी हम चलते हैं कालका जी टेम्पल, ओके। तो अभी चलते हैं वहाँ नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो गाइस अभी कालका जी के मंदिर साइड आए थे तो बहुत भयंकर भीड़ है नाना करते भी, हमने वहाँ पे लोटस पे तो 200 लोग देखे थे, यहाँ पे 500 प्लस लोग है जो लाइन के अंदर हैं। तो हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाए, मतलब मंदिर को अंदर नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मान लो कल ही नंबर आता ऐसा लग रहा था मेरे को, इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, ओके। तो अभी कुछ ऐसे मान लो कारणवश निकलना पड़ रहा है। बाकी एक टेम्पल और सुना है मैंने, अक्षरधाम टेम्पल, अगर टाइम रहा तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और अभी हम चलते हैं घर साइड, अगर घर की साइड हुआ तो वहाँ चलते हैं, वरना देखते हैं अभी क्या। अक्षरधाम टेम्पल, और जस्ट अभी हमने बाइक पार्क की है और आप एक बार उधर से देख सकते हैं, आप सारा व्यू उधर से देख सकते हैं, वहाँ से चेक इन वाला है बाइक का देख सकते हैं आप। तो इधर अक्षरधाम टेम्पल आपको दिख रहा होगा, बहुत ही भयंकर व्यू आ रहा है अक्षरधाम टेम्पल का, ठीक है। तो अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ। तो हम अंदर चलते, मैं जाता हूँ अंदर और अंदर का व्यू आपको बताऊँगा कैसा है अंदर से, ओके। तो चलते हैं हम बाहर आ चुके हैं अभी अक्षरधाम मंदिर से, और नेक्स्ट लेवल व्यू था अंदर, आपको मैं
मतलब बता नहीं सकता इतना, मतलब नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था तो आपको दिखा भी नहीं पाया अंदर का। बट अगर आप, मैंने खुद चेकआउट किया है, एक आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे आप एंट्रेंस लोगे ना तो गुड वाइब्स मिलेंगी, बहुत मैं कहते हैं ना मंदिर वाली वाइब्स, श्रद्धा भक्ति वाली वाइब्स मिलेंगी। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो एंट्रेंस है वो भी अच्छा है, और जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ है ये चीज़ें। और मतलब अभी आगे चलेंगे ना, आगे पता नहीं क्या चीज़ होंगी, क्योंकि अभी दिल्ली में ऐसे मान लो फर्स्ट या सेकंड डे ही है, दो तीन दिन घूमते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट जरूर करें कि आपको दिल्ली के अंदर कौन सी जगह विजिट करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।